विवियन ने एक बार फिर से चाहत पांडे के बारे में बात करनी शुरू कर दी है, वो भी एलिस और ईशा के सामने। और ये बात बोली है कि भाई अब एक एक करके जो इसने झूठ बोला है उसके ऊपर से पर्दा उठ रहा है, वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। आप लोगों ने प्रोमो में देखा कि चाहत पांडे और रजत दलाल की लड़ाई हुई, जहां पर चाहत ने जो है अपनी साइड की बातें जो है काफ़ी तरीके से रखी सामने और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, और वहीं पर जो है रजत दलाल ने भी काफ़ी अच्छे से बदतमीजी तो की चाहत के साथ, चल हट ये वो एक्चुअली में अपनी गिरी हुई औकात पर जो है रजत दलाल आ जाता है और वो चीज़ें जो है वो बदतमीजियाँ करने लग जाता है। देखिए हाँ, आप लोगों ने मैंने जो है विवियन को नहीं बख्शा बदतमीजी करने पर, तो आखिरकार ये रजत दलाल कौन सी खेत की मूली होता है भाई। चल ये सिंपति लेती है, चाहत फेक है, चलो उसने ड्रामा किया, सब चीजें बराबर है, पर तू बदतमीजी क्यों करेगा? अगर करनी है तो लड़ाई तो सही तरीके से कर, तू बदतमीजी करेगा। और बहुत ही गंदी बदतमीजी जो है वो लगती है, सीरियसली जाके ना दिल पे लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोगों के साथ ही बदतमीजी कर रहा हो ये बकवास सा आदमी। तो अब जो है जैसे विविन जो है वो चाहत के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो रात को थमी नहीं है, सुबह उठ के जो है फिर दोबारा से वो चीजें कंटिन्यू हो गई है, और चाहत जो है इस चीज के बारे में बड़बड़ कर रही है। और इवन बग्गा ने भी बोला कि भाई इसको चुप करवा लो चाहत को, पर फिर भी जो है रजत जो है फिर दोबारा से फुटेज लेने के लिए उसके पास पहुंच गया है। अब ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब इन सब चीज़ों को देख के जो है विवियन बात कर रहा है, बोला कि अब जो है ये स्क्रैच करेगी उसको ना, मतलब कि खरोदेगी, और जो इसने झूठ बोला ना धीरे 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 इसकी ना सामने आ रही हैं वो सब चीज़ें झूठ। मेरा बस मानना ये है कि जब आपने विवियन ने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी है, चैप्टर क्लोज कर दिया है, सब चीज़ें क्लियर कर दी है, विवियन को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनका यहाँ पर कुछ मतलब कि स्टिचेस हुए हैं, तो ठंड में अंदर जो है बेडरूम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बेड जो है वो चाहत का है, तो चाहत एक्चुअली में वहाँ पर जाके सो सकती थी, स्नोरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इंसान सो ना पाए, धीरे धीरे आदत हो जाती है। विवियन जो है काफ़ी ज़्यादा पेन में रहते हैं, तो इसीलिए उनको बाहर का बेड चाहिए था, पर चाहत ने वो चीज़ नहीं दी। तो अगर तुम पेन किसी का नहीं समझ सकती, दूसरा इंसान तुम्हारी पेन क्यों समझे, इस लॉजिक के हिसाब से वो चल रहे थे। तो अब जो है विवियन को एक्चुअली में चाहत के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए पीठ पीछे, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।